हेलो गाइस, सबको नमस्ते। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। और आज बात करेंगे यामा का जो नया गाड़ी लॉन्च हुआ है उसके बारे में। और फाइनली यामा ने लॉन्च किया है R15 V3। सो इंटरनेशनली ये बहुत ही पहले लॉन्च हुआ था। इंडिया में लॉन्च होने के लिए बहुत टाइम लग गया है इंडिया में। सो पहले हम लोग बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। सो डिज़ाइन आपको इसमें जो नया जो दिखने को मिल रहा है, सो नया डिज़ाइन आपका इंस्पायर्ड है R6 and R1 से। सो यामा का ही R6 and R1 से सो इंस्पायर्ड है। और इसका जो नया फीचर्स दोनों चीज़ है वो आपको मैं बता दूँ। पहले बात एक है, आपको VVA इंडिकेटर मिलता है। दूसरा, आपको इसमें गियर शिफ्ट टाइमिंग लाइट मिलता है। सो ये दोनों फीचर्स इसमें नया देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, इंटरनेशनल मार्केट में जो मॉडल लॉन्च हुआ था उसमें आपका जो एक फैसिलिटी था USD Fox का, जो इसमें आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा बात, ये नॉन ABS का है, इसमें आपको ABS नहीं मिल रहा है। सो अभी क्या बात बोलूँ। और दूसरी बात, आपका जो इसमें बेसिक आपका जो इंजन के बारे में है वो मैं बताता हूँ। नॉर्मली इसका इंजन है 150 cc का। ये पहले 149.8 cc का आता था, अभी ये 150 cc कर दिया गया है। और इसका नॉर्मली लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOHC 4-वाल्व इंजन है। और इसका पावर में भी डिफरेंसेस आया है, पावर भी अभी ज़्यादा मिल रहा है आपको। 19.3 PS एट 10,000 RPM एंड पहले जो पावर था वो 17 PS एट 8,500 RPM। और मैक्सिमम टॉर्क जो था पहले 15 Nm एट 8,500 सॉरी ये अभी मिला है 8,000 RPM। और पहले जो था 15 Nm एट 7,500 RPM। सो इसमें आपको 1,000 RPM बढ़ चुका है। और सो और दूसरा बात है, इसका जो क्लच है ये स्लीपर क्लच है। और फ्यूल सिस्टम जो है FI है। सो फ्यूल इंजेक्ट ये आपका है फ्यूल सिस्टम का। और गियर आपको इसमें 6 गियर मिलता है, सॉरी 6 गियर इसमें आपको मिलता है। और फ्रेम जो है डेल्टा बॉक्स का फ्रेम है, जो नॉर्मली पहले भी डेल्टा बॉक्स का ही था। और सस्पेंशन आपको इसमें फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक फ्रॉक। और रियर में आपको सस्पेंशन मिलता है स्विन का। सो और दूसरा बात, इसका जो टायर है ये दोनों ही ट्यूबलेस टायर है, फ्रंट में रेन में, और दोनों ही MRF का प्रोड्यूस हो रहा है। MRF का टायर आपको मिलेगा। और फ्रंट का जो सेक्शन है वो टायर का वो 100x80 and 17 है। और रेयर में है 140x70 at 17 है। और सीट हाइट जो इसमें आपको मिल रहा है वो आपका 1815 mm है। व्हील बेस आपको इसमें 13-25 mm मिल रहा है। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm मिल रहा है इसमें। और वेट इसका थोड़ा अभी ज़्यादा है, 139 kg है, पहले 136 kg था। और फ्यूल टैंक भी थोड़ा छोटा हो गया है, पहले आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता था, अभी वो 11 लीटर का है। सो 1 लीटर घट गया है। और बैटरी जो है 12 वोल्ट का आता है। और बैटरी टाइप है ETG5 आता है इसमें। तो बैटरी भी बहुत अच्छा है पावर। और आपका जो स्टीयरिंग एंगल है वो लेफ्ट एंड राइट में 30 डिग्री तक आप घुमा सकते हैं। और इसका जो हेड लैम्प है और टेल लैम्प है ये एरोडायनामिक LED है। सो फुल्ली हेड लैम्प आपको LED मिलेगा, टेल लाइट भी LED मिलेगा। सो अभी क्या बोलूँ, अभी देख रहे हैं फुल्ली लोडेड गाड़ी है। प्राइस भी थोड़ा अभी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि पहले आपका तो 1,18,000 के करीब था। अभी एक शोरूम इस मॉडल का भी 2018 में 1,25,000 दिल्ली का एक शोरूम प्राइस है। तो प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। और इसमें फीचर्स भी थोड़ा दो चीज़ फीचर्स आपको ज़्यादा मिलेगा। लुक्स वाइज बहुत ही अच्छा है खूब, मेरे हिसाब से 10 में मैं 9 दूंगा, ठीक है। और पावर भी आपको अच्छा मिल रहा है। तो फुल्ली लोडेड गाड़ी है और क्या बोलूँ। सो थैंक यू। और इसके बाद नए वीडियो आएंगे, आप देखते रहिए। चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।